एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ मेरे बालों में। तो यहाँ पे मैंने निशा हर्बल की मेहंदी जो है बर्गंडी कलर वो लिया है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, इसका कलर इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये 10-10 रुपीस के सैशे मिलते हैं बाज़ार में। तो ये 5 पैकेट्स जो है ये मैं लेने वाली हूँ अभी। तो मैं थोड़ा सा आज आपको प्रपोर्शन भी दिखा देती हूँ। तो 5 पैकेट मेहंदी ली है मैंने, और इसमें अभी मैं नींबू निचोड़ के डालूँगी। नींबू की वजह से क्या होता है, आपका डैंड्रफ वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी निकल जाता है बालों से। और यहाँ पे मैंने जो आयरन का तवा लिया है, क्योंकि आयरन के तवे की वजह से वो कलर जो है मेहंदी का वो चेंज हो जाता है, यानी थोड़ा सा ब्लैकिश टिंज मेहंदी में आ जाती है, जो बहुत ही अच्छी दिखती है। अगर आपके थोड़े बाल ग्रे हेयर है तो उसे फुल कवरेज देती है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, और गर्म पानी में मैं अभी चाय की पत्ती डालूंगी। तो देखिए इतना पानी लिया है, मैक्सिमम 1 कप प्रोपोर्शन है, और उसमें मैंने 5 चम्मच छोटे चम्मच चाय का पानी बहुत जरूरी होता है, टीस्पून ही है वो, 5 छोटे चम्मच मैंने चाय की पत्ती डाली है, और गर्म पानी ही अभी मैं मेहंदी में ऐड कर दूंगी। तो आप कोई भी चाय का रेड लेबल है, यहाँ पे मैंने चाय का जो फ्लेवर लिया है वो इसे अच्छे तरीके से उबाल के पानी में मेहंदी में मिक्स करना है, और 15-20 मिनट्स तक मेहंदी को भिगो के रख देना है। तो अभी गर्म पानी जो है वो मैं चाय का पानी मेहंदी में मिक्स करने वाली हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एकदम से पानी मत डालिए, अदरवाइज़ मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और फिर निकलने लगती है वो। तो इस तरीके से मैं तो प्रिपेयर करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ। और अभी इसे मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी 15 मिनट्स तक ऐसे ही, और फिर स्काल्प पे लगाऊँगी। तो जहाँ पे मेरे बाल ग्रे हेयर हो गए हैं वहाँ सब पे मैं अभी थोड़ा कवरेज देने के लिए मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोहे का तवा जो है वो इस्तेमाल किया है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको कलर चेंज करना है बालों का तो थोड़ा सा लोहे के तवे में आप मेहंदी भिगोइए, और देखिए उसका कलर जो है वो बहुत ही अमेजिंग आपके बालों पर आता है।
तो इस तरीके से आप मेहंदी पेस्ट बनाएंगे ना तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग आएगा, और इसका रिज़ल्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तीन घंटे से ऊपर हो गए हैं मेहंदी लगा के, तो अभी मैं मेहंदी को वॉश करने वाली हूँ, तो बस देखते हैं कैसा कलर आया है, क्योंकि तीन घंटे हो गए हैं मेहंदी लगा के। तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आते हैं, रोल में यानी। और इजी है लगाना, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए तरीके से दो है ये, अभी सो अभी ये ना मैं मेजर करूंगी कबर्ड का साइज और उसके अकॉर्डिंगली इसे कट करूंगी। ये मेटालिक ब्लू कलर आया है, देखिए कितना अच्छा कलर है। Yeah.
तो ये मैंने अकॉर्डिंगली मेरे कबर्ड के साइज़ का कट किया है और अब इसे स्टिक करने के लिए पीछे ऐसे दिया है, ये देखिए। सो आपको क्या करना है, पीछे का जो स्टिकर है वो अच्छी तरीके से निकाल देना है। सो ये देखिए, ये ऐसे स्टिकर दिया है जैसे नॉर्मल स्टिकर रहता है ना, उसी तरीके से। और अभी मैं स्टिक करते जाऊंगी। मैंने कैमरा जो है वो लॉन्ग इसलिए रखा है ताकि आपको दिख के आए कि मैं कैसे स्टिक कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, तो हाफ पोर्शन जो है वो स्टिक हो गया है। अभी ऐसे ही मैं छोटे छोटे पोर्शन काट के स्टिक कर दी जाऊंगी। तो इसको अभी अकॉर्डिंगली काट देती हूँ। ये देखिए ऐसे निकलता है ये, और अभी स्टिक करेंगे।
लुक जो है टोटल चेंज हो गया अभी, ये नीचे वाइट है और ऊपर ब्लू है, कैसे दिख रहा है? सो ये देखिए ये टेबल भी इस तरीके से रेडी हो गया है।